दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, हम मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन बरहक हमें अता फरमाया है, वो दीन हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह से जब भी मांगें दुनिया और आखरत की भलाई मांगें। हमारे यहाँ चूँकि एक बड़ा तबका ऐसा होता है इल्ला माशाल्लाह, जिसको दुनियावी ज़रूरियात पूरी तरह घेर लेती हैं और दुनियादारी के मसाइल जहन पर दिल पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। हर वक्त तसव्वुर यही रहता है कि किसी तरीके से मेरी दुनियादारी मजबूत हो जाए, मेरी दुनियादारी मुकम्मल हो जाए, मेरे रोज़मर्रा के काम पुख्ता हो जाए। उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि इंसान दीनी कामों को भी माज़ल्लाह दुनिया के लिए करना शुरू कर देता है। काबतुल्लाह में जाकर भी, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करके भी, हजरे असवद के बोसे के बाद भी, मकाम इब्राहिम पर नफल पढ़ने के बाद भी, हत्ता के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत की हाज़िरी के दौरान भी इल्ला माशाल्लाह लोग दुनिया ही मांगते रहते हैं। मेरा फलाना काम हो जाए, मेरे बच्चों के मामला संवर जाए, फलां का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। दुनिया की खैर अल्लाह से मांगना बुरा नहीं, लेकिन सिर्फ दुनिया ही मांगना और अपनी आखिरत को फरामोश कर देना। अल्लाह फरमाते हैं वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। कुरान मजीद ने सूरह बकरा के अंदर कुरैश मक्का की उस आदत का जिक्र किया है, फरमाया जब वो हज करते तो उनका तरीका ये था कि वमिन अन्नास मन यकूल रब्बना आतिना फिद दुनिया, उनमें से कुछ लोग ये कहा करते थे कि या अल्लाह हमें दुनिया अता कर दे, हमें दुनिया दे दे। रब फरमाता है वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, इन लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। मांगी भी है तो सिर्फ दुनिया, हज करके भी दुनिया, अल्लाह के घर जाके भी दुनिया, शेख का बैत हो के भी दुनिया, दीनी महफल से मुराद भी ये, दीनी इज्तमात करके भी, दीनी मदारस कायम करके भी, खानकाह का मस्जिद का माहौल बना के भी, उससे भी मुतालबा फकत दुनिया का। उन कुफार की इस आदत को जिक्र करके हमें समझाया गया कि जो फकत दुनिया मांगता है उसका आखरत में कोई हिस्सा। और फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं वमिनहुम मन यकूल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अच्छा उन्होंने दुनिया भी मांगी तो सिर्फ दुनिया मांगी, हसना नहीं मांगी। और यहाँ फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो रब से कहते हैं या अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, दुनिया भी दे तो हसना देना, वो दुनिया देना जो हमारे दीन को तकवीयत दे, वो दुनिया देना जो हमारे आमाल हसना को मजबूत करे, दीनी मामलात को तकवीयत दे, दुनिया भी वही अता फरमा। और साथ कहते हैं वफिल आखिरत हसना, या अल्लाह हमें आखिरत में भी भलाई ही अता फरमा, वकीना अज़ाब अन्नार और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा, उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, फरमाया ऐसों को उनकी कमाई ही मिलेगी, जो उन्होंने किया है वो खुश नसीबी उन्हें ज़रूर मुयस्सर आएगी। चूँकि दुनिया भी मांग रहे हैं, आखिरत भी मांग रहे हैं, हमेशा कोई भी काम करें किसी किस्म का भी, उसमें यह देखें कि क्या इसमें मेरे लिए कोई ज़खीरा आखरत बनेगा, क्या ये काम मेरी कब्र में, हशर में, कयामत में मेरे लिए कोई फ़ायदा मंद होगा। मैं बड़े दर्द से अर्ज करता हूँ, बाज़ लोग दीनी काम करते हैं और उनसे जब सवालात किए जाते हैं तो वो बाज़ों का तकलीफ दे मामला हो जाता है कि उस दीनी काम के पीछे भी वो वाला खुलूस नहीं जो एक मुसलमान का रब रसूल के साथ होना चाहिए, उस दीनी काम के पीछे भी कुछ दुनियावी मकासद मौजूद है। तो अगर बड़ी पगड़ी और बड़े जुब्बे के पीछे भी एक दुनियादार छुपा हुआ हो, लोगों को तो धोखा दिया जा सकता है, रब रसूल को तो नहीं ना दिया जा सकता। वहां तो दिलों का खुलूस ही पहुंचता है, वहां तो नीयतों का हुस्न ही पहुंचता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से जब भी सवाल किया जाए, दुनिया और आखिरत की बेहतरी का सवाल किया जाए, एक लफ्ज़ है हदीस पाक में जिसको आफियत कहते हैं। तिर्मिज़ी शरीफ में
हज़रत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुतलब रदी अल्लाह तआला अन्हो, आपकी रवायत मौजूद है, फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बताएं जो मैं अपने रब से मांगूँ। चीज़ मांगनी होती है ना, बाद वक़्त मौका मिलता है तो कई दफ़ा इंसान इम्तिहान में आ जाता है, क्या मुझे मौका मिल गया है, मुझे कहा गया कुछ मांग लो तो भला मैं क्या मांगूँ। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुतलब रदी अल्लाह तआला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा जान हैं, अर्ज़ गुजार हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए मैं अपने रब से मांगूँ तो क्या मांगूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया रब से आफियत मांगो। कहते मैं कुछ दिन रुका, कुछ दिनों के बाद फिर हाजिर बारगाह हुआ और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे बताइए मैं अपने मालिक से मांगूँ तो क्या मांगूँ। हुज़ूर ने फिर फरमाया अल्लाह से मांगना तो आफियत मांगना। बुजुर्ग फरमाते हैं ये आफियत क्या है, आफियत ये है कि या अल्लाह जाहिरी परेशानियां बातनी परेशानियां, ऐ अल्लाह जाहिर के मैल कुचैल भी दूर हो जाएं, बातन के भी दूर हो जाएं, ऐ अल्लाह हर मामले में हर आजमाइश में हर दुख में हमें तेरी पनाह नसीब हो जाए, ये आफियत है। और सूफिया किराम फरमाते आफियत से बड़ी नेमत कोई नहीं अगर किसी को मुयस्सर आए तो, आफियत से बड़ा हुस्न कोई नहीं अगर किसी शख्स को यह नसीब हो जाए। और एक अल्लाह वाले ने तो एक और बड़ा खूबसूरत तर्जमा यहाँ किया है, वो कहते हैं आफियत का मतलब है दिल का करार, आफियत का मतलब है बातन का सुकून, आफियत का मतलब है इंसान के मिजाज का हौसला, ठंडक, बुर्दबारी। इस बंदे को आफियत नसीब हो जाती है गोया अल्लाह उसे सुकून की दौलत अता फरमा देता है, थोड़े पैसों में भी सुकून, बगैर शोहरत के भी सुकून, कोई बात मान ले तब भी सुकून, कोई धुतकार दे फिर भी सुकून, लोगों की गुड बुक में हो फिर भी सुकून, और अगर लोग सारे मुखालफत में आ जाए तो चूंकि अल्लाह ने आफियत दी है फिर भी सुकून। अल्लाह ताला ने उन लोगों को करार की दौलत, अल्लाह से आफियत मांगी जाए, इसमें दुनिया की भी भलाई शामिल है आखिरत की भी भलाई शामिल। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवज्जो दिलाते कि अल्लाह से तुम आफियत मांगो, हमारा नदी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला रूहानी तरबियत का है। हमारे यहां बातें ढेर सारे लोगों को आती हैं और बहुत ज्यादा आती है, मनसूबा बंदी करना, प्लानिंग करना, अपने मामलात को खुद से कैसे लेके चलना है, कैसे ठीक करना है, अपने हक में दुनिया को किस तरह कायल करना है, ये ढेर सारे लोगों को आता है, और अपने हक में दलायल किस तरह कायम करने हैं इसमें बहुत सारे लोग खुद कफील होते हैं, उन्हें किसी से मुशावरत की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अल्लाह की बारगाह से अपना रिश्ता कैसे जोड़ना है, मालिक से करम का सवाल ही किस तरह करके होना है, अल्लाह से आफियत का सवाल कैसे करना है, ये चूँकि रूहानी तरबियत में हमारा मिजाज नहीं होता लिहाजा हम उस तरफ जाते नहीं, हम वो अपनी मर्जी की चीज़ें, यानी वजीफा पूछ के गए एक साहब, कुछ अरसे के बाद आए हैं तो आके कहते हैं मौलाना साहब, पीर साहब या कारी साहब या फलां साहब, किसी से भी पूछ के गए किस जिसको नेक आदमी जाना, फिर लौट कर आके कहते हैं कि आपने वजीफा बताया था पर काम कोई नहीं हुआ। तो मैं तो साफ कहता हूं और खुले दिल से कहता हूं कि भाई वजीफा आपको बताया था कि अल्लाह की रहमत मतवज्जे होगी, खुदा की रहमत को आवाज देने के लिए वजीफा दिया था, कोई भी वजीफा रब को मजबूर तो नहीं ना कर सकता माज़। और वज़ाइफ किस लिए पढ़े जाते हैं कि जल्दी से मामला ठीक हो जाए, मेरे हक में चीजें बेहतर हो जाए, तो अल्लाह की रजा के लिए पढ़े जाते। तो वज़ाइफ को, इबादात को, नवाफल को, तिलावत को, दुरूद पाक को तो रजा इलाही का जरिया बनाना चाहिए, लेकिन हम चूंकि एक पूरा उलझाव रखते हैं अपनी दुनियादारी के मामला सीधे करने, एक पूरा खैर रखते हैं। वो लोग मिलते रहते हैं मुख्तलिफ बुजुर्गों की निस्बत के ताल्लुक से, तो बाज जगहों पे बाज लोग बड़े तेज होते हैं, यानी उनसे आपकी मुलाकात होती है तो बंदे को महसूस होता है कि यार इसे तो पहले ही सारी बातों का पता है, और कई दफ़ा उनसे मिलने के बाद एहसास होता है कि यार इससे तो थोड़ा सीख ही लेते तो बेहतर था, ये तो बात बड़ी आगे निकल गई, सारा पता होता है, बाशऊर होते हैं, लेकिन डर आता है अल्लाह से। इतना बाशऊर आदमी, समझदार, पंचायत, परया, लोग, दीन, दुनिया सारा पता है,
नमाज का टाइम आ गया तो वो छुपता फिरता है, उसकी तबीयत पर बोझ बन रहा है माज़अल्लाह अल्लाह के हुजूर हाजिर होना, उसे खैर का काम करना पड़ रहा है तो वो इधर उधर निकलता जा रहा है। तो सवाल ये है कि फिर ये शऊर का क्या मतलब रखा हुआ है हमने? फिर अल्लाह से दुआ करने की जरूरत नहीं? वो हजरत आरिफ रूमी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया करते थे, बाज लोगों को रब सारा कुछ देता है, सजदे की तौफीक नहीं देता। इसका मतलब ये है कि वो कहता है ये सारा कुछ ले और निकल जा, मेरे घर ना आना, रख सारा कुछ पास। रब से आफियत मांगी जाए, उससे उसका फजल मांगा जाए, उससे उसका करम मांगा जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इस आफियत मांगने पर जोर देते, तवज्जो देते। मैं आपको सही बताता हूं, रब ने अगर किसी बंदे को आफियत में रखा हो ना तो हालात कैसे भी बुरे चल रहे हों उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। और अल्लाह ताला माफ करे 100 दफा खाकम बदहन, अगर किसी वक्त उसके कर्म की निगाह फिर जाए तो फिर सारे असबाब समेत भी इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता। उससे जब तक तलबे कर्म नहीं होता, तलबे आफियत नहीं होती, उसकी बारगाह से जब तक बनता है मोमिन पूरा रुजू नहीं करता। ये आफियत इतनी आला चीज है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया आजान और इकामत के दरमियान जो वक्त होता है उसमें दुआएं रद्द नहीं होती। दुआ मांगा करोगे तुम्हारी अल्लाह अपने फजल से कबूल कर लेगा। अर्ज की या रसूलल्लाह क्या मांगे? तो फरमाया आफियत मांगो रब से। हजरत अंस बिन मालिक हदीस के रावी है रजी अल्लाह तआला, यहां भी फरमाया ये ऐन कबूलियत का टाइम है, अल्लाह से आफियत मांग लो, उसकी पना। हम दुआओं में भी महदूद हो जाते हैं। रब दा तालब कोई ना मिलिया, जो मिलिया तालब जरदा हो। दुआओं में भी हद बंदी। बाज़ों का बच्चे भी तरबियत करते हैं ना, एक मौलाना है उनका ख्याल है कि उन्होंने मुझसे कुछ पढ़ा है, तो कभी कभी उस्ताद जी कह देते हैं, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अगर आप कभी तशरीफ़ लाएँ, तो मैंने कहा पुत्र दुआ मांग अल्लाह को छोटी जी गड्डी देवे। तो उस बच्चे ने मेरी बड़ी तरबियत की, कहने लगा उस्ताद जी अल्लाह को लो मंगनी की तो वड्डी सारी मंगो, आपने महदूद क्यों किया कि भाई ये छोटी सी अल्लाह गाड़ी क्यों अल्लाह छोटी दे, रब दे तो बड़ी दे और रहमत से दे, अल्लाह से मांगनी है ना जी। हम तरबियत नहीं लेते। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा बेटे तूने बड़ी सोहनी बात की, अल्लाह तुझे इसका अजर अता करे, अल्लाह तुझे बरकत अता करे। अगर आपने सीखना है तो फिर आप सीख लेंगे, और अगर नहीं सीखना तो फिर यही कहना है सारी उम्र लंघ गई बंदा को नहीं मिला, चूंकि मिजाज नहीं है ना सीखने का, इसलिए फिर मिला ही कोई नहीं, फिर सारी जिंदगी को मुयसर ही नहीं आया, किसी ने नसीहत ही नहीं की, कोई आंखों को भाया ही नहीं, खुद ही बड़े सियाने थे, खुद ही बहुत बड़े थे, अपना कद ही बड़ा ऊंचा था, सब ठिगने छोटे और कमजोर और बौने नजर आए। अजीज भाई जब आफियत, एक बुजुर्ग थे हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक्त आफियत मांगते थे। लोगों ने पूछा, लोग उनको साले जानते थे, नेक समझते थे, कि हुजूर आप और कोई दुआ मांगते नहीं, आफियत ही मांगते हैं। फरमाने लगे मैं मांगा करता था शुरू में, बाद में ख्याल आया और भी दुआएं मांगा करता था, ये एहसास बाद में नसीब हुआ। फरमाते मैं मजदूरी करता था, माल बर्दारी करता था, एक जगह पे ड्यूटी कर रहा था तो थक गया, और वो जो काम लेने वाले लोग थे उनके रवैया भी बड़ा तुर्श था, तकलीफ हुई। तो मैंने अपने मालिक की बारगाह में अर्ज की, मालिक अगर 2 रोटी बगैर मुझे मुशक्कत के मिल जाए दिन में तो तेरी बारगाह तो बड़ी करीम है। कहते वो मैंने ये दुआ मांग ली, जरा मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे, मैं उनकी सुलह कराने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा, तो मैं जिसको छुड़ा रहा था दूसरे ने मेरे ऊपर जरब लगा दी, मेरा भी सर फट गया। थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस आ गई, वो तीनों को लड़ने वाला समझ के उठा के ले गए, मुझे जेल हो गई, 2 रोटियां बगैर मुशक्कत के रोज मिलनी शुरू हो गई। दुआ मांगी थी ना कि या अल्लाह 2 रोटियां मिल जाए ना बगैर मुशक्कत के। कहते वो 2 रोटियां रोज मिलती, कोई काम नहीं करना पड़ता, पर जेल हो गई। फरमाते मैं बड़ा परेशान था, रोज रोटियां पाबंदी से आती और बेहतरीन आती, खाना मिलता। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि यार ये दुआ तो कबूल हो गई ना तेरी, अब तू अगर इस पर कोई अलग बात करेगा तो वो तू गलत करेगा। कहते फिर खुद ही मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली और मैंने अर्ज की मालिक 2 रोटियां नहीं, मुझे तो आफियत चाहिए।
मुझे तू आफियत दे, मेरे ऊपर तू करम फरमा, तू नजरे रहमत कर, जे एक कतरा बख्शे मैनू, एक जे एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जांदा ही मेरा, मेहरबानी कर आफियत अता कर। फरमाते फिर खुदा ने करम किया, कहाँ से असबाब बने मेरे जेल से छूटने के, कौन कौन मेरे जमानती बने अल्लाह ही जानता है। फरमाते हैं दरवाजे भी खुल गए, रिस्क भी मिलता है, सेहत भी मुयस्सर है, सजदा भी कर लेता हूँ, सवेरे तिलावत भी करता हूँ, शाम को मदीने वाले की बारगाह में राज के दुरूद व सलाम भी अर्ज करता हूँ, मैं मुमकिन होता है तो किसी गरीब की दाद रसी भी करता हूँ। अब समझ आई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। अब समझ आई है, रब से जब भी मांगना है आफियत ही मांगनी है, उससे करम मांग। हमने महदूद दुआएं रखी हुई हैं, महदूद, वो जी फलाना काम मेरा हो जाए तो भाई वो एक हो गया, उसके बाद फिर नई टेंशन बन जाएगी। नहीं, मैं जी बच्चों की शादी कर लूं जी फिर मैं फारिग हूं। आप शादी करके देखें लग पता जाएगा कैसे फारिग होते हैं। आप यहां रुकते क्यों हैं? आप खुदा से आफियत क्यों नहीं तलब करते? उसकी बारगाह से वो क्यों नहीं मांगते कि जो एक कतरा मिले तो दुनिया और आखिरत के सारे काम हो जाए? उससे उसकी रहमत का सवाल करे, उससे उसके करम का सवाल करे। अल्लाह की बारगाह में भी हाजिर होना और जची तुली और जनाब नाप तोल कर और महदूद चीजों का सवाल करना, मालिक से मांगे, और वो जब देता है तो देता भी बेहिसाब ही है, वो जब अता करता है तो करम के दरवाजे खोल के अता करता है। वरना तो एक उलझन से इंसान निकलता है दूसरी में उलझ जाता है, एक गुत्थी को सुलझाता है फिर। इकबाल रो पड़े थे, कहने लगे मैं अकल की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, अल्लाह ये बड़ा मैंने हेर फेर देख लिया, मुझे दीवाना बना, अब मुझे जुनून हो, अब मैं किसी के लिए रोया करूं, अब मैं किसी की याद में तड़पा करूं, अब मैं रात किसी के लिए मेरी आंखें बेदार रहें। ये बड़ी हो गई दुनियादारी, अकल की गुत्थी, हालांकि नहीं सुलझती, पर इकबाल कहते हैं अकल की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे। और फिर कहने लगे बुझी इश्क की आग अंधेर है, अब ये मुसलमान नहीं ये खाक का ढेर है, तो मिट्टी बन के रह गया। क्या कहां अपनी सारी तवज्जोहात का किबला किस चीज को? मेरे अजीजो अल्लाह से आफियत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से पूछा क्या दुआ मांग रहे हो? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की बारगाह में सब्र का सवाल कर रहा हूं। तो हुजूर फरमाने लगे सब्र तो मुसीबत पर होता है, या रसूल्लाह फिर क्या मांगू? आप इन जुमलों और लफ्जों की गहराई को समझें, सब्र के लिए तो पहले मुसीबत आएगी फिर सब्र आएगा, तो या रसूल्लाह क्या मांगू? फरमाया तू रब से आफियत मांग। माना क्या है? मुसीबत आए क्यों? अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत के हिसार में ले ले, वो वक्त ही क्यों आए कि जब तेरी तबीयत उलझ जाए, जब तू परेशान हो जाए, जब तू आजम, तू अल्लाह से आफियत मांगना। जब तू आफियत मांगेगा तो अगर कभी मुश्किल आएगी भी ना, तो खुदा फिर अपने फजल से मुश्किल से निकलने में रास्ता भी बड़ी जल्दी अता फरमाएगा और तेरे ऊपर फजल फरमाएगा। अगर आफियत, ये जो हम नबी पाक की उम्मत है ना, तो ये हमारे गिर्द अल्लाह के फजल और उसकी रहमत का हिसार है, ये हिसार है हमारे गिर्द। वो दरवेश ने कहा था ना कि करूँ शुक्र कितना और करूँ फख्र कितना कि तेरे करम ने मुझे फायजुल मराम किया, देखो बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। अभी मैंने गलती की नहीं लेकिन मुझे हुजूर का गुलाम बना दिया, बख्शिश का बंदोबस्त पहले हो गया। अपने मालिक से बीमार भी उससे आफियत मांगे, मकरूज भी उससे आफियत मांगे, बे औलाद भी उससे आफियत ही मांगे, साहिब औलाद भी उससे आफियत ही मांगे। जो दौलत के हुसूल के रिस्क के हलाल के ख्वाहिशमंद हैं वो भी उससे आफियत मांगे, और जिनकी झोली उसने भर दी है वो भी अपने रब से आफियत ही मांगे। मालिक से जब सवाल करे, एक बुजुर्ग थे उन्होंने तो अपनी अंगूठी में लिखवा लिया था कि या अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा, मगर तो जब भी देखता हूँ याद आ जाता है कि अल्लाह से आफियत मांगनी। अपने मालिक की बारगाह के अंदर देखो, मैंने देखा है वो किसी ने कहा था कि तेरी ख्वाहिश है कि वो तेरी आरजू करे पूरी और मेरी ख्वाहिश है कि तेरी आरजू बदल जाए। कुछ लोग ऐसी ख्वाहिशात भी लेके आते हैं कि जो पूरी ना हो तो बेहतर होता है।
इसलिए आपको पता है मौत मांगना जायज नहीं दीन में। मसायब से घबरा कर, मुश्किलात से घबरा कर, जिंदगी के मद्दोजजर से परेशान होकर मौत का सवाल करना जायज नहीं। किस तरह जायज है? इन लफ्जों के साथ दुआ कर सकता है कि या अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी बेहतर है मुझे जिंदा रख, और जब मेरा दुनिया से जाना बेहतर है फिर तो मुझे अपनी बारगाह में बुला ले। ये भी क्या है? ये भी आफियत का सवाल ही है कि या अल्लाह रख भी तब तक जब तक रहना बेहतर है। नबी पाक ने भी अर्जालिल उम्र होने से पनाह मांगी। हमारा ये मिजाज बन गया है कि हम अपने हक में ऐसी चीजों का सवाल कर रहे होते हैं जो कई दफा हमें मिल जाए तो हमारा नुकसान करें। कुरान हकीम एक जगह पे अल्लाह करीम ने फरमाया है कि अगर सब लोगों को माल दे दूं तो बगावत करें, फसाद हो जाए। क्या माना? कि अपना नुकसान कर बैठे लोग। हम अपने मालिक की बारगाह में बाज ऐसी चीजों के सवाली हैं कि जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें उसके कर्म पर छोड़ना है, उससे आफियत मांगनी। और बाज लोग, क्योंकि मैं कह चुका हूं शुरू में कि हमारी दीनी रूहानी तरबियत नहीं होती और हम कहीं से बाकायदा असबाक लेने के कायल ही नहीं होते, पूरी तरबियत का हमारा मिजाज ही नहीं होता, अपनी अकल और अपना शऊर और अपने हिसाब से हम जिंदगी को बिताना चाहते हैं। और ये जो मेरा दौर है ये वैसे ही उलझा हुआ जमाना है, इल्ला माशाल्लाह। पता नहीं कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, ऐसे है जैसे कोई मेला लगा हुआ है और कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। जिसकी दुकान पर कोई गाहक नहीं वो भी कह रहा है लाइनें बना लो। ऐसा उलझा माहौल है और ऐसी आजमाइश है कि लोग बेचारे परेशान हैं। देखें, जब तरबियत के साथ इंसान आगे बढ़ता है ना, हमारे पास मुख्तदा है अल्लाह रसूल का कलाम, हमारा पेशवा है रब रसूल का फरमान। जब हम किताब व सुन्नत की रोशनी में आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए मंजिल आसान भी होती है और करीब भी होती है। फिर हमारे लिए आगे की तरफ सफ़र करना, आगे बढ़ जाना ये आसान होता है। आप गौर करें, जो लोग दुनिया में कामयाब रहे, भला किस तरह कामयाब रहे? उस तरह कामयाब रहे कि उन्होंने ना अपने रब से आफियत मांगी, अल्लाह ताला ने खुद ब खुद उनके लिए रास्ते बनाए। आप तारीख पढ़ेंगे बाज़ लोगों की तो लग नहीं रहा था कि वो इतनी कामयाबी हासिल करेंगे। देख लें आप, हज़रत गौसे आज़म जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाते हैं तो उनकी कैफियत ये है कि पत्ते खा के गुजारा करना पड़ता है। यानी पीछे कोई ऐसा बैकग्राउंड, किसी का बनाया हुआ इदारा, कोई बड़ी खानकाह, कोई बड़े लंबे चौड़े वाले साहब के मुरीदीन, कोई बड़ा लंबा सिलसिला नहीं मिल रहा उनको। बज़ाहर पत्ते खा के गुजारा करना पड़ता है लेकिन चूंकि वो निकले हैं अल्लाह की मदद के साथ, उन्हें अल्लाह ने ताईद दी है, फजल फरमाया है, तो नतीजा ये निकला है कि 70,000 बंदा एक एक वक्त में तरबियत लेने के लिए उनके सामने मौजूद है। ये अल्लाह ने असबाब बनाए हैं, क्योंकि जब रब आफियत अता करता है तो फिर अल्लाह असबाब भी पैदा फरमाता है। हमारा जहन तो थक जाता है सियासत करते करते। हम तो जनाब पूरी तरतीब से, हमें सलीका आता है किस तरह करके किस बंदे को कैसे कायल करना, पूरे तौर पर हम वो सारी जिंदगी सियासत करते रहते हैं। वो खानदानों में भी चलती है, गली मोहल्ले में भी चलती है, दोस्तों में भी चलती है, और बाद में पता चलता है कि ये पत्ते खेल कौन रहा था, असल में सुलह कराने वाला था कि लड़ाई कराने वाला था, ये सब का खैर खा था या सब की जहन के अंदर फतूर की आमेजश ही इस शख्स की वजह से थी। हम चूँकि वो ख़ास आफियत अल्लाह से नहीं मांगते, हमारी मखसूस सियासत होती है सभी को राज़ी रखो, उसका नतीजा ये निकलता है कि कटाई माता कोई भी राज़ी नहीं रहता। हम अगर अपने मालिक की तरफ रुझान करें और अल्लाह ने जो हमें शऊर दिया है उस शऊर को लेकर अल्लाह की बारगाह की तरफ बढ़ें। आप यकीन करें, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें हैं, एक एक किताब पर PhD हो रही है और उन्होंने 150 साल पहले बैठकर जो कुछ लिखा था भाई नहीं लफ्ज ब लफ्ज उसकी ज़रूरत आज महसूस कर हो रही है और आने वाले वक्त में बढ़ रही है। लेकिन उनके पास कोई टीम नहीं थी, 50 लोग नहीं थे जो उनके पास बैठ के लिखवाते, अपना प्रेस नहीं था, ऐसे लोग नहीं थे कि जो जिनको पता होता कि किताब हम कल छापेंगे और इतने फ़ीसद ये मार्केट में निकल भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। क्या था? अल्लाह की मदद साथ थी, ताईदे ईज़वी साथ थी, अल्लाह ने अपनी आफियत में रखा था। कुरान मजीद की आयत का तर्जमा करते हैं ना आला हजरत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह पे चला।
बहुत सारे मुफस्सरीन ने कहा ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, फरमाते ऐ अल्लाह हमें सीधी राह पर चला। तो किसी ने कहा हुजूर ये चला और दिखा में क्या फर्क है? फरमाने लगे दिखाने का मतलब ये होता है कि किसी ने पूछा मैंने गुजरांवाला जाना है, तो दिखाना ये है कि उसे कहा यहाँ से बाहर निकलो, रोड पे चढ़ जाओ, सीधे जाओगे एक पोल आएगा उसे क्रॉस करना, नीचे उतरना, वहाँ से शहर शुरू हो जाएगा। फिर उसने अगर कोई अंदरूनी जगह शहर की पूछ ली तो उसको कहा कि राइट हो जाना, फिर लेफ्ट हो जाना, फिर आगे किसी से मजीद। ये है रास्ता दिखाना और एक है चलाना। उसने कहा मैंने गुजरांवाला जाना है, तो उसने कहा साथ बैठना मेरी गाड़ी पे, जहाँ तूने जाना है मैं छोड़ के आता हूँ। ये रास्ते पे चलाना है, ये मकाम में तफक्कुर है, आप इस पर गौर फरमाएंगे। कहते हैं या अल्लाह तू हमें रास्ता दिखाएगा और दिखाता है, लेकिन चारों जानब शैतान भी तो बैठा है ना, फितने भी तो है ना, तो अगर तेरी रहमत साथ साथ रहे। माना कि मोहब्बत के सफर में हर गाम पे सौ सौ मुश्किल है, लेकिन ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। अगर तू साथ चले तो फिर ये सफर मुश्किल। हारून रशीद ना अपने महल की छत पे टहल रहा था, सबसे ऊपर वाले चुबारे पर, नीचे से हजरत बहलोल दाना गुजर रहे थे, ऊपर उसके साथ सिपाही भी थे, गनमैन भी थे। उसने कहा ये बाबा तो जरा ऊपर उठाओ। उन्होंने एक डोली, एक टोकरी समझ लें, उसको रस्सियां बांध के नीचे फेंका। नीचे जो सिपाही थे उनको कहा कि ये बाबा जी को पकड़ के इसमें बिठाओ। उन्होंने जबरन थामा बाबा जी को, उसमें डाला, ऊपर वालों ने खींच लिया। दो तीन मिनट लगे, हारून रशीद के सामने हजरत बहलोल दाना पहुंच गए, तो थोड़े नाराज भी हुए कि ये कोई तरीका तो नहीं ना बुलाने का। मुलाकात हुई तो कहा क्यों बुलाया? कहने लगा एक मसला पूछना था। फरमाने लगे बादशाह है ना, तेरे मसले पूछने का भी अपना ही अंदाज है, पूछ मसला। कहने लगा बाबा पूछना था कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? हजरत बहलोल दाना चुप कर गए। दो चार मिनट के बाद कहने लगे जिस तरह अभी अभी जमीन से तेरे तक नहीं पहुंचा, बिल्कुल इसी तरह ही पहुंच गया हूँ रब करीम की बारगाह तक, और वो भी जो उसने करम फरमाया है, वरना मैं तो नहीं समझता कि मैं पहुंच गया, वो भी अगर तेरी खुशी गुमानी है। हारून रशीद कहने लगा मुझे समझ नहीं आई। फरमाने लगे तो बादशाह जो है, इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगी तुझे बात? फरमाने लगे अगर मैं तुझसे मिलना चाहता ना तो मैं एक दरख्वास्त लिखता, फिर किसी वजीर से सिफारशी साइन कराता, फिर वो जमा कराता, फिर मुझे टाइम मिलता कि फलां दिन फलां तारीख फलां टाइम आ जाना, फिर आके मैं लाइन में लगता। फिर भी तू बादशाह है, तेरा मूड बनता मिलने का कि ना बनता? जब मैं चाहता तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता, जब तूने चाहा है ना तो एक मिनट भी नहीं लगा। फरमाने लगे मैंने दावा ही नहीं किया कि मैं जद्दोजहद करके पहुंचूंगा, मैंने तो रब की बारगाह में आजजी की है, फिर रब ने ही करम फरमाया है, उसी ने मेहरबानी की है। माना कि मोहब्बत के सफर में हर गाम पे सौ सौ मुश्किल है, लेकिन ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। उसके कर्म का साथ रहा है, उससे आफियत मांगी है, अपने आप को उसके सुपुर्द किया है, तो उसने कर्म कर दिया। जब तक ये मिजाज नहीं हम बनाते कि मालिक से आफियत का सवाल करें, अपने आप को अपने रब के हवाले कर दें, उसकी रहमतों के सुपुर्द कर दें, उतनी देर तक जिंदगी में ठहराव नहीं आता, करार नहीं आता। मिश्कात में मौजूद है अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीमारदारी के लिए गए, तो सहाबाई कराम फरमाते हैं वो बंदा ना इतना पतला नहीफ और लागिर हो गया था जिस तरह चिड़िया का बच्चा होता है, कमजोरी ज़ोफ़तारी था। तो महबूबे करीम ने उसे देखा तो बड़े करीमाना अंदाज में करीम फरमाने लगे तू तो कोई दुआ नहीं मांगता, तू तो आफियत नहीं मांगता अल्लाह से? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की है मालिक क़यामत का अज़ाब बड़ा सख्त है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तूने अगर मुझे कोई सज़ा देनी है तो यहीं दे ले, क़यामत को ना देना। तो कहते महबूब फरमाने लगे सुभान अल्लाह, ओ खुदा के बंदे तू रब की सज़ा दुनिया में भी नहीं सह सकता, अल्लाह से ये भी सवाल न कर, तू रब से कह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतं व फिल आखिरति हसनतं व क़िना अज़ाबन नार। तू रब से दुनिया में भी हसना मांग, भलाई मांग, तू आखिरत के लिए भी भलाई मांग, तू उससे आफियत का सवाल कर, तूने ये सवाल क्यों किया? अर्ज की या रसूल अल्लाह करम हो गया है, मुझे समझ आ गई, अब मैं इसी तरह ही करूँगा। अजीज दोस्तों हम कहाँ सह सकते हैं? हम दुनिया में रब की सजा हम नहीं सह सकते, हम कमजोर हैं, तो गर्मी नहीं सह सकते, शदीद सर्दी नहीं सह सकते, शिद्दत की भूख लोग नहीं सह सकते, कोई आजमाइश नहीं सह सकते,
वो जो लोग बाज़ों का कह देते हैं ना जी फलां चीज़ हमारे अमाल का नतीजा है, तो मैं क्या करता हूँ, ना को यार हम तो ये भी नहीं सह सकते, हम कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें तो वो माफ़ ही फरमाए, हम हिसाब वाले हैं ही नहीं, हम तो सिर्फ माफ़ी वाले हैं, हमसे ना हिसाब पूछे, उसने हिसाब पूछा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अगर उसने हिसाब पूछा तो बड़ी रुसवाई हो जाएगी, अगर हिसाब पूछा तो मुश्किलात सामने दिखाई देने लग जाएंगी, हमसे तो वो दरगुजर वाला मामला करे, हमसे तो वो कहे जा मैंने महबूब के सदके तुझे माफ़ किया, जा तेरे लिए रहमत और बख्शिश वाला फैसला किया, वो कोई सबब उसकी रहमत किसी सबब को देख ले और दरगुजर कर ले। तो आज की पूरी गुफ्तगू में मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह से आफियत मांगे, हर वक्त आफियत मांगे, मेरी सालों से रूटीन है, मैं दुआ मांगता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफवा वल आफियत फिद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा, और ये खामोश तबलीग होती रही, मैं मांगता रहा, कई बच्चों को वैसे याद हो गई, इसको याद कर लें, अल्लाह से आफियत मांगे दीन में दुनिया में आखरत में, इसको अपना मिजाज बनाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आफियत नसीब फरमाए, आखिर दावा यानिल हम्द।